Hey guys, welcome you all once again and I hope आप लोगों को इन वीडियोस से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो ऑडियोनो को यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर ऑडियोनो की सीरीज को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग AVR को नहीं करेंगे, हम लोग ऑडियोनो और AVR को पैरेलली यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सिर्फ ऑडियोनो को सीखना चाहता है या फिर कोई ऐसा है जो सिर्फ एटमेगा 8 को सीखना चाहता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेपरेटली दो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। जिस कंट्रोलर को आप लोग सीखना चाहते हैं उसको यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑडियोनो के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑडियोनो है क्या। ऑडियोनो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इजीएस्ट वे में कैसे यूज किया जाए, इसके लिए ऑडियोनो को डेवलप किया गया था। ऑडियोनो बोर्ड जो होते हैं वो इनपुट्स को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देते हैं। इनपुट यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट यूनिट्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज हम लोग अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम लोग अपने बोर्ड में लगे हुए माइक्रो कंट्रोलर को भेजते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम लोगों को ऑडियोनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है और हम लोगों को यहाँ पर जरूरत होती है ऑडियोनो IDE की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑडियोनो की हिस्ट्री की। देखिए, ऑडियोनो को इवरा इंटरैक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट जो कि इटली में है वहां पर डेवलप किया गया था। 2003 में सबसे पहले इसको यूज किया गया था एज एन इजी टूल फॉर फास्ट प्रोटोटाइपिंग, और ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से नहीं थे। इसके बाद ये धीरे धीरे काफी पॉपुलर होता रहा और नई नीड्स और चैलेंजेस को कम्पीट करने के लिए इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए। जहां पहले ये सिंपल 8 बिट का बोर्ड था, वहीं अब इसको IoT एप्लीकेशंस, 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स में भी यूज किया जाने लगा। इसका इतना डेवलपमेंट इसीलिए हो पाया क्योंकि इसके जो बोर्ड्स थे और जो सॉफ्टवेयर थे वो ओपन सोर्स थे। ओपन सोर्स होने के कारण कोई भी इसको इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर सकता था और अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर सकता था। नेक्स्ट है व्हाई ऑडियोनो, हम ऑडियोनो को क्यों यूज करें। देखिए, ऑडियोनो बोर्ड्स काफी इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू अदर माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली, ऑडियोनो IDE को हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चला सकते हैं, जैसे आप लोगों का विंडोज है, लिनक्स है या फिर मैकिंटॉश है। नेक्स्ट, ऑडियोनो IDE बिगिनर्स के लिए काफी इजी होती है और जैसे जैसे आप लोग एडवांस लेवल में जाएंगे वैसे वैसे ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद ऑडियोनो का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, मतलब कि इसको कोई भी एक्सपेंड कर सकता है यूजिंग C++ लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम लोगों का जो ऑडियोनो हार्डवेयर है वो भी ओपन सोर्स है। ऑडियोनो बोर्ड्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर पब्लिश होते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड सर्किट डिजाइनर है वो अपने हिसाब से मॉड्यूल का वर्जन चेंज कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट्स फर्दर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम लोगों के जो प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर लगता है प्रोग्रामिंग के लिए, बट इन केस ऑफ ऑडियोनो हम लोग सिंपल एक USB केबल के थ्रू ही अपने बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑडियोनो की वेराइटीज को। देखिए, डिफरेंट ऑडियोनो बोर्ड्स में डिफरेंट एटमेगा के माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं। इन कंट्रोलर्स के अकॉर्डिंगली ही मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑडियोनो बोर्ड्स जिसमें एटमेगा 328 लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियोनो ऊनो है और इसके बाद रेड बोर्ड है, ऑडियोनो प्रो है, इसके दो वर्जन बेसिकली यहाँ पर है। इसके बाद आप लोगों का ऑडियोनो मिनी है, इसके भी आप लोगों के यहाँ पर दो वर्जन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल वोल्टेज है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपके 5 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं और कुछ आपके 3.3 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्लॉक स्पीड है, यहाँ पर कुछ 16 MHz में ऑपरेट होते हैं और कुछ 8 MHz में ऑपरेट होते हैं। इसके बाद डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस कितने हैं ये हम लोगों को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, एनालॉग इनपुट पिंस कितनी है वो है यहाँ पर, और PWM चैनल्स कितने हैं, और उसके बाद यूजर कितने अवेलेबल हैं, और लास्ट में आप लोगों का यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है।
इनके अलावा और भी बोर्ड्स हैं यहाँ पर जो एटमेगा 328 पर बेस्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियोनो प्रो मिनी है, ऑडियोनो इथरनेट है, ऑडियोनो फियो है, लिली पैड के आप लोगों के पास यहाँ पर वर्जन है। तो ये हम लोगों के कुछ एटमेगा 328 पर बेस्ड कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पर इमेजेस आप लोग देख सकते हैं, ये ऑडियोनो उनो है, ये आप लोगों का लिली पैड है और ये आप लोगों का ऑडियोनो मिनी है। नेक्स्ट हम लोग एटमेगा 32U4 पर बेस्ड ऑडियोनो बोर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑडियोनो लियोनार्डो है, इसके बाद प्रो माइक्रो हम लोगों के दो वर्जन यहाँ पर अवेलेबल हैं और एट लास्ट यहाँ पर हम लोगों के पास लिली पैड भी अवेलेबल है। यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस कुछ गलत हैं, आप लोगों का 3.3 वोल्ट में ये ऑपरेट होगा और 8 मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी। और यहाँ पर आप लोग इमेजेस देख सकते हैं, ये हम लोगों का ऑडियोनो लियोनार्डो है, ये प्रो माइक्रो है और ये लिली पैड आपका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमेगा 2560 पर बेस्ड ऑडियोनो बोर्ड्स की। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑडियोनो मेगा 2560 है, इसके बाद मेगा प्रो भी आप लोगों को यहाँ पर दो वर्जन मिलेंगे और मेगा प्रो का मिनी वर्जन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और इसके भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी इमेजेस हैं, देखिए ये मेगा प्रो मिनी 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है और ये आप लोगों का ऑडियोनो मेगा है। एट लास्ट 8091SAM3X80 पर बेस्ड हम लोगों का एक ऑडियोनो बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियोनो मेगा 2560। इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, इसमें इनपुट आउटपुट पिंस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। एनालॉग इनपुट पिंस की आप बात करें तो 12 इसमें है, PWM चैनल्स आपको 12 मिलते हैं और यूजर्ड आप लोगों के यहाँ पर 4 अवेलेबल हैं। तो ये हम लोगों के ऑडियोनो के कुछ वेराइटीज़ हैं। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में हम लोग ऑडियोनो उनो बोर्ड को यूज़ करने वाले हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सबसे पॉपुलर बोर्ड है ऑडियोनो फैमिली में और बिगनर्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया बोर्ड यही है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे ऑडियोनो आईडीई का। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।